अगर आपका एज 40 एंड अबव है और कई बार आपके पैरों में पेन महसूस होता है, पैरों में हैवीनेस होता है, तो शायद आपको वेरिकोज नाम की कंडीशन हो सकती है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं। हेलो और नमस्ते, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट, VeinMD, वेरिकोज वेन सेंटर, पुणे से। मैं आपका हमारे VeinMD के सबसे पहले वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज हम वेरिकोज वेन्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले कि हम वेरिकोज वेन्स को समझे, पहले वेन्स और उनका बॉडी, हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है ये समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती है, एक आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो है वो हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती है, और वेन्स ऑर्गन से वापस हार्ट तक यूज्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। ऑक्सीजनेटेड मतलब लंग से साफ ऑक्सीजन ऐड किया हुआ ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब बॉडी में ऑक्सीजन डेली सर्वाइवल के लिए यूज हुआ हुआ ब्लड। वेन्स हमारे अनयूज्ड ब्लड को स्टोर भी करते हैं, स्पेशली जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी लिमिटेड ब्लड को ही इस्तेमाल करती है और बाकी का ब्लड हमारे वेन्स स्टोर करते हैं। जब बॉडी को उस ब्लड की जरूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो वेन्स ब्लड हार्ट और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस फंक्शन के लिए हमारे वेन्स के वॉल्स जो होते हैं काफी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होते हैं। बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साइज के वेन्स मौजूद होते हैं। बॉडी के सेंटर में जो वेन्स होते हैं वो सबसे बड़े और स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे वेन्स बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दूर जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, वैसे वैसे इनका साइज छोटा होते जाता है। बॉडी में ब्रॉडली तीन प्रकार की वेन्स होती हैं। जो वेन्स स्किन सरफेस के सबसे क्लोज होते हैं वो सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं। जो वेन्स बॉडी के सेंटर में होते हैं, डीप होते हैं, उनको डीप वेन्स होते कहते हैं। बॉडी में कुछ ऐसे भी वेन्स होते हैं जिनको सुपरफिशियल और डीप वेन्स को कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम परफोरेटिंग वेन्स कहते हैं। पर वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं फिर? देखिए, जब आपके वेन्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो वे वेरिकोज्ड या स्वोलन हो कहते हैं उसको। वेन्स में वन वे वॉल्व होते हैं जो ब्लड को उल्टा या बैकवर्ड होने से कंट्रोल करते हैं, तो वो नीचे नहीं गिर पाता उसमें से। जब ये वॉल्व अपना फंक्शन नहीं कर पाते तो ब्लड वेन्स में कलेक्ट होने लगता है, और इसीलिए वेन्स के वॉल्व स्ट्रेच होने लगते हैं और ये वेन्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं। ग्रेविटी के प्रेशर के कारण ओवर टाइम वे थिक, ट्विस्टेड, इलोंगेटेड, बल्ज्ड और पाउच्ड हो जाते हैं। वैसे तो कोई भी सुपरफिशियल वेन वेरिकोज्ड हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन मोस्टली पैरों में काफ और थाइस के वेन्स में होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि स्टैंडिंग पोजिशन में या वॉकिंग के वक्त लोअर बॉडी में प्रेशर बढ़ता है, जिससे वो वेरिकोज्ड हो जाते हैं इस लोअर बॉडी के वेन्स। वेरिकोज वेन्स को वेरिकोसेस या वेरिकोसिटीज भी कहते हैं। वेरिकोज वेन्स स्वोलन या सूजे हुए दिखते हैं, वो स्किन सरफेस से थोड़े रेज्ड होते हैं और वे ब्लूइश पर्पल या लाल रंग के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो काफी दर्द भी बहुत सारे लोगों को देते हैं। वेरिकोज वेन्स महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है। उनके कई मेन रीजंस है, स्पेशली प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, हॉर्मोनल, इंक्रीज्ड एज जो होता है, या ऐसा काम है जिसमें बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, स्थूलपना, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो सकती है। अगर ये बहुत बड़े हैं, 4 मिलीमीटर से ज्यादा, तो इनको टच भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये छोटे हैं, जैसे कि उनको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं, ये टाइप के वेरिकोज वेन्स जो होते हैं वो शॉर्ट लाइन्स, फाइन लाइन्स की तरह होते हैं, क्लस्टर्स में दिखते हैं। इन्हें स्पाइडर वेन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अपियरेंस जो है हमारे स्पाइडर वेब की तरह होता है, कोष्ठी के घर की तरह। वे 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर के होते हैं। इन्हें यूजुअली टच करके फील नहीं किया जा सकता, ये बहुत थिन होते हैं, इनको बस देख सकते हैं हम। वो थाइज, एंकल्स या पैरों पे कॉमनली मिलते हैं। कुछ लोगों में मेडिकल में इन्हें मेडिकल टर्म्स में इन स्पाइडर वेन्स को टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं। कुछ वेन्स स्पाइडर वेन्स से बड़े लेकिन वेरिकोज वेन्स से छोटे होते हैं, इनको रेटिकुलर वेन्स कहते हैं, और इनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 मिलीमीटर्स के बीच में होता है। वेरिकोज या स्पाइडर वेन्स
बहुत लोगों के लिए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये काफी दर्द देता है और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। अगर इनको हम जल्दी ट्रीट ना करें तो इनके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जैसे कि लेग में सूजन होना, इडिमा आना, लेग का स्किन का हार्डनिंग होना। अगर ये बढ़ते गए तो ये स्किन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं दे पाते हैं, फिर लेग्स के स्किन में जख्म या अल्सर्स होने लगते हैं। ये वेरिकोज वेन्स वाले जो जख्म या अल्सर्स होते हैं वो नॉर्मल अल्सर्स की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि हमें कोई नॉर्मल जख्म होती है तो वो 1 से 2 हफ्तों में यूजुअली भर जाती है, वेरिकोज वेन्स वाले जो जख्म होते हैं वो काफी सारे महीनों तक भरते नहीं है और इन्हें नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो एक सीरियस इश्यू बन सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ और कुछ सेल्फ केयर टिप्स के साथ सही किया जा सकता है। वेरिकोज वेन ट्रीट करने के लिए सर्जरी जैसे कि स्ट्रिपिंग, लाइगेशन, माइक्रोफ्लेबेक्टमी, माइक्रोफोम स्क्लेरोथेरेपी, एंडोवेनस लेजर एब्लेजन, एंडोवेनस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन, ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वेरिकोज वेन्स को लेकर हम और डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला जो वीडियो है मैंने बनाने की कोशिश की है, मैं होप करता हूँ कि आपको इसका उपयोग हुआ हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चंस भी आंसर करने का जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।